नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये टोटके बचाएंगे आपके घर को बुरी नजर से। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि घर में वास्तु सही हो तो हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको भी अपने घर के मुख्य द्वार को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और उसे बुरी नजर से बचाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें लगाना बेहद शुभ होता है। इससे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और घर में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर को बुरी नजर से बचाने के उपाय। तोरण लगाएं। घर के प्रवेश द्वार पर पीपल, आम और अशोक के पत्तों का तोरण बांधकर लगाना बहुत शुभ होता है। आम के पत्तों का तोरण घर में सुख समृद्धि लाता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तोरण लगाने से घर को बुरी नजर से भी बचाया जाता है। काली मटकी। घर को नजर दोष से बचाने के लिए घर के बाहर काली मटकी लगा दें। जब भी कोई व्यक्ति बुरी नजर से आपके घर को देखता है तो उसकी नजर घर के बाहर टंगी काली मटकी पर पड़ती है, जिससे वो काली मटकी बुरे प्रभाव और नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींच लेती है और आपका घर नजर दोष से बच जाता है। काला धागा। अपने घर को बुरी नजर से बचने के लिए एक काला धागा लें और पीली कौड़ी लें। अब पीली कौड़ी को काले धागे में बांधकर इसे अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर लटका दें। पीली कौड़ी को काले धागे में बांधकर लटकाने से आपके घर पर किसी भी व्यक्ति की बुरी नजर का प्रभाव नहीं होता। काले घोड़े की नाल। काले घोड़े की नाल लेकर उसे पूरी रात सरसों के तेल में डुबोकर रखें। दूसरे दिन की सुबह इस नाल को तेल से निकालें और साफ कपड़े से पोंछकर उसके सामने दीपक जलाकर शनिदेव से बुरी नजर को दूर रखने की प्रार्थना करें। फिर 108 बार ओम शन शनिश्चराय नम का जाप करें और फिर इस नाल को घर के दरवाजे के बाहर अंग्रेजी के यू आकार में टांग दें। नाल को इस तरह टांगे कि आने जाने वालों की नजर उस पर पड़े। लक्ष्मी माता की तस्वीर। घर में हमेशा धन, यश और वैभव बना रहे इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर लगाना चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर माता लक्ष्मी और कुबेर के तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इससे घर में धन की कमी कभी नहीं होती और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। शुभ लाभ। घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर शुभ लाभ अवश्य लिखें। आजकल मार्केट में शुभ लाभ के स्टीकर भी आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लगाने से भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। माता लक्ष्मी के चरण। घर के प्रवेश द्वार पर माँ लक्ष्मी के पैर सिंदूर से अवश्य बनाएं। ऐसी मान्यता होती है कि घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण बनाने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप चाहे तो माता लक्ष्मी के स्टीकर वाले चरण भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इससे घर में धन समृद्धि का आगमन होता है। स्वास्तिक बनाएं। वास्तु के अनुसार स्वास्तिक बनाना हिंदू धर्म में शुभ संकेत माना जाता है। प्रवेश द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से घर में सौभाग्य समृद्धि में वृद्धि होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष। घर के मुख्य दरवाजे पर 108 दाने वाली पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लगाने चाहिए। इससे सफलता और प्रगति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। यदि आप या आपके घर के सदस्य लगातार असफलता से जूझ रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी रुद्राक्ष की माला लगाने से सफलता आपके कदम चूमती है। सात कौड़ियों की बंधनवार। वास्तु के अनुसार यदि आप घर के मुख्य दरवाजे पर सात कौड़ियों की बंधनवार बनाकर लगाते हैं तो इससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में पैसों की कमी कभी नहीं होती। सात कौड़ियों की बंधनवार लगाने से माता लक्ष्मी ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी आपके घर पर बनी रहती है। नींबू और मिर्च।
यदि आपको लगता है कि घर पर नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव है तो एक नींबू और 7 हरी मिर्च काले धागे में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे भी बुरी नजर से बचाव होता है। मुख्य द्वार पर नींबू और मिर्ची लटकाने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और घर पर सकारात्मक ऊर्जाओं का आगमन होता है। घर को बुरी नजर लगने के लक्षण। यदि घर को नजर लग गई है तो इससे व्यक्ति का मन अपने घर में नहीं लगता है। यदि घर में नजर दोष है तो व्यक्ति को अपना घर भारी भारी लगने लगता है। नजर दोष होने से घर में नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रवेश करती हैं और घर में आपसी संबंधों में खटास आने लगती है। घर में लड़ाई झगड़े होना आम हो जाते हैं। परिवार के सदस्यों में अनबन होने लगती है। नजर दोष लगने से परिवार के सदस्यों का बीमारियों में धन अधिक लगने लगता है। घर परिवार के सदस्य बीमार रहने लगते हैं। घर में नजर दोष होने से रोजगार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव आने लगते हैं और अधिक हानि होने लगती है। घर में नजर दोष होने से धन संपत्ति और खुशियों की कमी रहती है। घर में दरिद्रता और गरीबी आने लगती है। घर की बुरी नजर उतारने का मंत्र। नमस्ते रुद्र रूपाय करे रूपाय ते नम। यदि आपके घर को नजर लग गई है या नजर दोष है तो हर रोज संध्या काल के समय इस मंत्र का जाप 7 बार अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करते समय यह ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। गुरुवार के दिन इस मंत्र का जाप करने का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। बुरी नजर उतारने के टोटके। नजर दोष से बचने के लिए घर में सुबह शाम दीपक जलाएं। दीपक यदि घी का जलाएंगे तो और भी ज्यादा लाभकारी होगा। घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और उसे कभी सूखने ना दें। तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कूड़ा कचरा ना फेंके। इससे घर में दरिद्रता आती है। घर के हर कमरे के दरवाजे के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। हर रोज शाम के समय दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। घर में वास्तु की पूजा अवश्य कराएं और सुबह शाम शंख अवश्य बजाएं। नजर दोष से बचने के लिए घर में गुग्गल या चंदन की अगरबत्ती जरूर जलाएं। सप्ताह में एक बार घर में भजन कीर्तन या कोई धार्मिक पाठ अवश्य करें। इससे नजर दोष से छुटकारा मिलता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।